हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के, देखिए जरा एक्सेल में खास क्या है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पे 3 लिखा हुआ है, यहां पे 6 लिखा हुआ है, यहां पे 7 लिखा हुआ है, यहां पे 8 लिखा हुआ है। तो यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन समस्या ये है हमारे साथ कि यहां पर हमें इसके ऊपर डिग्री लिखना है। कल मैंने आपको बताया था डिग्री कैसे लिखना है, और यहां से इसे सुपर स्क्रिप्ट कर दीजिए। तो जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट करते हैं तो यहां पर ये, अब अगर आप 0 लिखते हैं तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे ही फिर दूसरे सेल में आएंगे तो यहां पर फिर ये 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम है, कैसे ये करें, ठीक है। तो इसके लिए बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा, सारे काम आसान हो जाएंगे, ठीक है। करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि यहां पर इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, और कहां जाना है, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स पर। कैसे खुलेगा, या तो आप कंट्रोल 1 प्रेस कर लीजिए अल्फा न्यूमेरिक की, या फिर राइट क्लिक करिए और यहां पर फॉर्मेट सेल्स पे चले जाइए। चले गए, और इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको कस्टम पे जाना है। ये जो कस्टम है यहां पर आ जाएगा, ये जो जनरल है इसको हटा दीजिएगा, इस तरीके से जैसे मैं हटा रहा हूं वैसे आप भी हटा दीजिएगा। और यहां पे हैश लिखिएगा एक बार, और यहां से ये प्लस हटा दीजिए, प्लस नहीं रहेगा, ये डिग्री लग गया आपका, हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों को जोड़ना है, जैसे 30 डिग्री और 6 दोनों को ऐड करना है, तो इज इक्वल टू लगाइए, 30 डिग्री सेलेक्ट किया, प्लस करिए, 6 करिए, और ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये जोड़ना बड़ा आसान है, ठीक है। आप चाहे तो सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें, देखिए ये SUM किया, और यहां से अब जाइएगा, तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि ये जुड़ेगा नहीं, तो जुड़ जाएगा आसानी के साथ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशंस।